नवी मुंबई एयरपोर्ट को दिया जाए एआर अंतुले का नाम। एमआईएम नेता शाहनवाज खान ने सिटको से की मांग, वरना 9 फरवरी को अनशन। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले ही इसके नामकरण पर राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। शिवसेना और रिपाई के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी इसमें कूद पड़ी है। आज एमआईएम नेता शाहनवाज खान ने सिटको एमडी संजय मुखर्जी को ज्ञापन देकर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बैरिस्टर एआर अंतुले का नाम देने की मांग की। शाहनवाज खान ने कहा कि बैरिस्टर एआर अंतुले रायगढ़ के सपूत थे और उन्होंने राज्य और रायगढ़ के लिए अनेक ऐतिहासिक काम किए हैं, इसलिए एयरपोर्ट को उनका नाम मिलना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने मांग नहीं मानी तो वे 9 फरवरी से आज़ाद मैदान में अनशन करेंगे। जो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय विमानतल आने वाला है, तो हमारी ये मांगनी रखी गई सिटको के पास कि अगर नाम रखा जाना चाहिए तो इस माजी उप मुख्यमंत्री जो लेट गुजर चुके हुए हैं उनके नाम से होना चाहिए। ये हमारी मांगनी हमने उनसे निवेदन द्वारा रखे गए, और साथ साथ उनको ये भी बताया, उनके काम को बताया, और हमने बताया कि कोई पक्ष या पार्टी का हम लोग पक्षपात नहीं करते हुए, क्योंकि अंतुले साहब कोई एक कांग्रेस पार्टी के नहीं, वो पूरे रायगढ़ के लोगों के नेता थे और लोगों के लिए कई काम किए हुए, बेरोजगारों के लिए, पुलिसों के लिए। पुलिस का रिफॉर्म हुआ था तो पुलिस के ऊपर उन्होंने, जब वो मुख्यमंत्री थे तो पुलिस के ऊपर वो कई काम किए हुए थे, बेरोजगारों के लिए काम किए हुए थे। तो ऐसे मानुष के नाम से विमानतल का नाम रखा जाना चाहिए। और साथ साथ हमने उनको ये भी बताया कि आप ये मांगनी सिटको में एमडी के पास और जहाँ तक उसे प्रशासन के पास रखिए, नहीं तो आने वाले कल के अंदर 9 फरवरी को अंतुले साहब का जन्मदिन है, उस जन्मदिन के मौके पर हम लोग तमाम हमारे एमपी, हमारे खासदार, माजी एमएलए सब आज़ाद मैदान के ऊपर उनके सालगिरह के दिन उपासन पे हम लोग बैठेंगे। यही हमारी सरकार से गुजारिश है, ताकि और जोरदार आवाज़ सरकार और मंत्रालय तक इस एयरपोर्ट का नाम रखने तक पहुँचे। गौरतलब है कि इससे पहले शिवसेना मंत्री एकनाथ शिंदे ने नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए बालासाहेब ठाकरे का नाम सुझाया था। हालांकि भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के नेता जगदीश गायकवाड़ और बीजेपी ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए प्रकल्पग्रस्त नेता दिवा पाटिल का नाम देने की मांग की थी। रिपाई और बीजेपी की दलील है कि दिवा पाटिल ने उन प्रकल्पग्रस्तों के लिए कुर्बानियां दी हैं जिनकी जमीन पर एयरपोर्ट बन रहा है। फिलहाल नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए 3 नाम सामने आ गए हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि नए नियमों के मुताबिक किसी व्यक्ति विशेष की बजाय उस इलाके के नाम पर हवाई अड्डे का नामकरण करने का प्रावधान है। ऐसे में देखना होगा कि इस पर क्या फैसला होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।